गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। कल रात को हम लोग ले पहुंच गए थे, फिर पहुंचने के बाद डिनर विनर करके सो गए थे। सुबह उठे, जैसे अगर आप पहली बार ले आ रहे हो तो एक्लेमेटाइज होने के लिए एक दिन तो रेस्ट लीजिए ले में, फिर उसके बाद जो घूमना है वो घूमिए। रात को थोड़ा बहुत मेरे को थोड़ा सा अनईजी लगा, तो मैं एक जो AMS के लिए, एक्यूट माउंटेन सिकनेस के लिए जो एक टैबलेट आता है डायमॉक्स, में वो खा लिया था, तो आफ्टर दैट आई फेल्ट बेटर। तो सुबह उठ के अभी ब्रेकफास्ट करने आए हैं, ब्रेकफास्ट करके आज हम लोग रेस्ट लेंगे फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत लोकल साइट सीइंग करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो प्रोमिनेंट साइट है जैसे पैंगोंग लेक हो या नुब्रा वैली हो वो सब जाएंगे, नेक्स्ट टू डेज में कवर करेंगे। आज यहाँ पे लोकल साइट सीइंग में हम लोग एक टिक्से मोनेस्ट्री है वो जाएंगे, हॉल ऑफ फेम जाएंगे, मैग्नेटिक हिल अगर हुआ तो जाएंगे, और एक शांति स्तूपा है वो जाएंगे। तो आज एक थोड़ा रिलैक्स दिन रखेंगे, थोड़ा ज़्यादा एग्जॉर्शन नहीं लेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी रहती है लेह में, जो लोग पहले इफ़ यू नॉट यूज टू हाई ऑल्टीट्यूड एंड ऑल, तो आके दो दिन, तो एक दिन दो दिन, दो दिन तो मैंडेटरी कर दिया अभी ले हम लोग, क्योंकि जो जिला पास हम तुमला पास होके आए हैं, तो 13-14,000 फीट हम लोग ग्रेजुअली इंक्रीज करके आए वाया श्रीनगर, तो थोड़ा इसलिए और एक दिन हम लोग आज रेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद और ऊपर जाएंगे जैसे खरतुंगला हुआ, वो सब कल से कवर करेंगे। जैसे मैं बताया था कि कल हमारा जो रूट था वो हम लोग जैसे दिल्ली से, मैं बताया था दिल्ली से हम लोग पठानकोट आए, पठानकोट से नेक्स्ट डे हम लोग श्रीनगर क्रॉस करके जम्मू श्रीनगर, फिर उसके बाद हम लोग सोनमार्ग में आकर रात को रुके। सोनमार्ग में थोड़ा सा होटल वोटल का बहुत चक्कर रहता है, तो सोनमार्ग में होटल मिलना भी बहुत मुश्किल है। हम लोग को एक जैसे तैसे करके एक होटल मिल गया था, बहुत अच्छा नहीं था, बट जस्ट रात को 3-4 घंटे 5 घंटे बिताने के लिए हम लोग सोनमार्ग में रुक गए, और सोनमार्ग से हम लोग 6 बजे निकल गए थे। तो बीच में जोजिला पास के बाद हम लोग को बहुत बड़ा आर्मी का कॉन्वॉय मिला, अगर थोड़ा सा हम लोग इधर उधर लेट भी होते तो शायद ही हम लोग वो जोजिला पास तक पहुंचने तक भी टाइम लग जाता। तो हम लोग जोजिला पास तो पहुंच गए, फिर कारगिल वार मेमोरियल गए, कारगिल वार मेमोरियल देखे हम लोग, उसके बाद हम जैसे ही हम लोग कारगिल पहुंचने वाले थे, क्योंकि कारगिल वार मेमोरियल जो है वो द्रास सेक्टर में आता है, तो वहाँ पे हम देख के, फिर हम जैसे ही हम कारगिल पहुँचे तो एक पुलिस वाले भैया थे, वो हमको क्या किए, हमको बोले कि बाईपास ले लो। हमको पता नहीं था, थोड़ा सा हम लोग बोले कि अच्छा बाईपास है, थोड़ा आगे जाके मिल जाएगा, बोला जाम है आगे ये है, अब बाईपास लेके चले जाओ। हम बाईपास ले लिए, वो बाईपास जो है वो बटालिक तक चला गया, बटालिक धा पूरा जो इंदस रिवर है उसके बाजू बाजू में आके, मतलब अभी ले 70 किलोमीटर है वो हाईवे टच किया। तो हमको कल जो 7-8 घंटे में, 9 घंटे में कवर करना था, हमको 15 घंटे लग गए। मैं ये रूट मैप डाल दूंगा, आप देख लीजिए कैसे रूट मैप में हम लोग आए और एक्चुअली कैसे रूट मैप में जाना चाहिए। आपको कारगिल क्रॉस करके स्ट्रेट अगर आप आ जाते तो वो हाईवे अच्छा है, इट इज़ बेटर रोड। 7-8 घंटे में, 9 घंटे में आप पहुँच जाएंगे सोनमार्ग से ले, बट हमको कल 15 घंटा लगा। वहाँ पे जैम में फंस गए, ट्रक था, बस था, बहुत दिक्कत हुआ, हम लोग खाना भी नहीं मिलेगा उस रूट में। तो जब तक आप वो हाईवे टच नहीं करते हो मेरे पास, तो जब तक आप हाईवे नहीं पहुँचते हो तब तक वो टेरेन भी बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन था। हम लोग कल जब ट्रैवल किए, आई इट वॉज फन बट इट वॉज थ्रिलिंग, adventurous, and one lifetime experience actually.
actually lifetime experience. So those of you are watching, please ensure you come here at least once in your lifetime. Once in your life. Yeah. तो वो जो टेरेन था हम लोग डिफरेंट वैरायटी ऑफ टेरेन देखे हम लोग मतलब जो लूप्स थे जो ड्राइव हम लोग कर रहे थे तो आई एम गेटिंग गूज बम्प्स तो वो आप जिस ऊपर में से मतलब 12,000-13,000 फीट पर आप वो नीचे आप देख रहे हो पूरा लूप बन रहा है और गाड़ी जा रहे हैं सब लोग तो वो एकदम एक यूनिक एक्सपीरियंस है आप अगर जैसे गाड़ी में ड्राइव करके आते हो इट्स ए ड्राइवर्स पैराडाइज एक्चुअली आप लोग आप इफ़ यू लव ड्राइविंग इफ़ यू लव एडवेंचर ड्राइविंग एंड देन दैट रूट विल गिव यू ऑल द किक्स ऑल द पंप तो मज़ा तो आ गया लाइफ टाइम में एक बार एक्सप्लोर करने के लिए मज़ा तो आ गया बट ठीक है थोड़ा सा टायरिंग था बट एक्सपीरियंस इट्स इट्स वन ऑफ एक्सपीरियंस ये ले लद्दाख जब भी आप आ रहे हो इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस और आप अगर ये सोच के आ रहे हो अरे वे ले जाना है ये देखना है भाई जब तुम जर्नी करते हो वो जर्नी ही तुम्हारा एक्सपीरियंस है वो जर्नी भी तुम एंजॉय करो जैसे हम लोग ट्रैफिक में फंस गए 2 घंटा 2.5 घंटा रोड क्लियर हो रहा है भाई बाएं देख दाएं देख वो भी एक मज़ा है वो अलग टाइप का मज़ा भले ही आपको उस टाइम पर ये पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है तो हम लोग उस हिसाब से आए तो बिकॉज वी आर 3 friends तो थोड़ा सा ये बच्चे फैमिली वैमिली अगर आप लेके आ रहे हो तो कभी कभार वो थोड़ा सा टायरिंग हो सकता है आज जैसे कल रात को हम लोग एक यहाँ पे एक होटल है होटल सराहा करके ले में तो वहाँ पे हम लोग रुक गए हैं बहुत ही अच्छा रूम है तो हम लोग यहाँ पे 2 दिन रुक रहे हैं तो मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ स्नो क्लैड माउंटेंस एंड अदर्स ये देखिए पूरा स्नो क्लैड माउंटेन है दूर से दिख रहा है पता नहीं कैमरा कितना जस्टिस करेगा बट खुद आप जब आओगे तो मतलब अलग ही एक्सपीरियंस है भाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जितना भी हम लोग YouTube में डाल दें आपको कैमरे में कैप्चर करके दिखा दें जो आप अपने खुद आँखों से जो देखेंगे जो एक्सपीरियंस आप वो ले सकते हो वो कैमरा कभी जस्टिस नहीं कर सकता तो चलिए आज का दिन मैं आपको बताता रहूँगा कैसा कैसा क्या रहा आज का दिन तो जुड़े रहिए तो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है ब्रेकफास्ट पराठा पकौड़ा आलू मेथी आलू जीरा और आलू जीरा गोभी बीन्स का भाजी ऑमलेट ब्रेड टोस्ट जबरदस्त ब्रेकफास्ट हम लोग तैयार होके निकल गए लोकल साइट सीइंग के लिए यहाँ पे तो जैसे बताया ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम है तो इसलिए ज़्यादा एग्जर्शन नहीं करेंगे क्योंकि ऑक्सीमीटर में हम लोग चेक कर रहे थे 98, 91, 92 ऐसा करके रह रहा है तो ज़्यादा ये नहीं करेंगे तो लोकल साइट सीइंग में शांति स्तूप फिर वो एक मॉनेस्ट्री है फिर हॉल ऑफ फेम और ले पैलेस 4 जगह देख के वापस आ जाएंगे निकल गए हम लोग लोकल साइट सीइंग के लिए भाई मैं आगे बैठ रहा हूँ अभी हम लोग टिक्सी मॉनेस्ट्री जा रहे हैं अभी गूगल दिखा रहा है 19 किलोमीटर्स 36 मिनट्स देखो क्या व्यू स्नो क्लैड माउंटेन भाई साहब लैंडस्केप ही टोटली डिफरेंट है यार लेह लद्दाख में एवरी डे दे वोंट फील इट दैट हम लोग देखो स्नो क्लैड माउंटेन क्या दिख रहा है यार द कलर ऑफ द स्काई इज सो ब्यूटीफुल यार ये देखो ऐसे लद्दाख में आओगे तो आपको ऐसे सब स्ट्रक्चर हर जगह मिलेंगे ब्यूटीफुल प्लेस
सिक्सिंग मोनेस्ट्री जाने का रास्ता क्या है भाई, इसीलिए मस्मराइजिंग लद्दाख। लोग इसलिए पागल की तरह आ जाते हैं, ऑक्सीजन कम हो, टेरेन रफ हो, कुछ भी हो भाई, आ जाते हैं इधर लोग। वाओ वाओ, हम कल ऐसे कार में जाएंगे। ये एक्चुअली पहाड़ों की रानी है मारुति। मनाली वाला हाईवे, यहाँ से कुछ चंबा होटल है वहाँ से लेफ्ट। ये है तिक्सी मॉनेस्ट्री। वाओ, दिस इज द वे टू तिक्सी मॉनेस्ट्री, 1 किलोमीटर फ्रॉम हियर। अ ब्यूटीफुल कलर है भाई, कलर पूरा ब्यूटीफुल कलर है यार, स्काई ब्लू, उसके बाद पहाड़ जो है वो ब्राउन, उसके बाद पेड़ है ग्रीन, और नीचे टार रोड ब्लैक। क्या कॉम्बिनेशन। ऊपर चढ़ रहे हैं, वाओ वाओ वाओ, वाओ। नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब यार, सीरियसली नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब, ब्यूटीफुल है। हेलो, मोनास्ट्री के लिए जा रहे हैं अभी। ये नीचे से जो व्यू दिखाया वो व्यू वॉज मच मच बेटर। ये साइड में देखो, मोनेस्ट्री की साइड में कितना ऊपर आए। यहाँ पर ना थोड़ा सा चढ़ाई कर लो, सांस पूरा फूलता है, ऑक्सीजन कम है ना। ये देखो मोनेस्ट्री, ये देखो बेल। ये मॉनेस्ट्री, ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्री, ब्यूटीफुल। मोनेस्ट्री हम लोग देख के निकल रहे हैं अभी, अंदर हम लोग फोटो नहीं लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लिखा था नो फ्लैश नो फोटोग्राफ, तो हम लोग नहीं लिए, बाहर लिए फोटो। चलिए, ये देखो पूरा ऊपर बैरन लैंड है, लेकिन आप इधर देखोगे इधर झरना फॉर्म हो गया है, पता नहीं पानी कहाँ से आ रहा है।
बर्फ मेल्ट होके धीरे धीरे ट्रिकल डाउन कर रहा है, पूरा बैरन लैंड ऊपर से नीचे तक पानी आ रहा है। ये चमत्कार है, चमत्कार, ये कुदरत की चमत्कार है ये भाई। हम लोग का तिक्सी मोनेस्ट्री दर्शन हो गया, अभी हम लोग निकल रहे हैं यार ले पैलेस के लिए। माइक लगी है भूख, भूख नहीं है, रोड उसका एसिडिटी हो जाएगी इसलिए। एक्जेक्टली शीशे पैलेस 16th सेंचुरी में बना, ब्यूटीफुल पैलेस, ब्यूटीफुल। यहाँ पे जो भी आर्किटेक्चर है बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं, ये पैलेस के अंदर थोड़ा ऊपर चढ़ाई है, गाड़ी आपको नीचे पार्क करके ऊपर जाना पड़ेगा। हम लोग थोड़ा एक्लेमेटाइज हो रहे हैं तो वी डोंट वांट टू एग्जर्ट आवरसेल्फ। वाओ नाइस। हम लोग लद्दाख लिए भी शांति स्तूपा जा रहे हैं, पहाड़ी के ऊपर थोड़ा है के लिए जा रहे हैं हम लोग। 30 rupees का एंट्री है पर पर्सन, लेकिन यहाँ पे जो भी जगह जाओ चढ़ाई है, सांस फूल जाता है एकदम। बट ब्यूटीफुल, मिस भी नहीं कर सकते। लैंडस्केप है, जबरदस्त वीडियो अच्छा आता है। शांति स्तूपा के एंट्री करते वक्त एक रेस्टोरेंट है तो हम लोग वहाँ पे रुक के मैगी खाने के लिए, बढ़िया मैगी बना रहे हैं, मैगी और चाय। मैगी आ गया, शांति स्तूपा चढ़ते चढ़ते हाँप रहे थे तो बैठ गए, हाँप रहे तो वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा चेयर में बैठ के थोड़ा सांस ले रहे हैं, फिर उसका चले गए। ज़्यादा लोड नहीं लेने का, लोड नहीं लेने का, लोड देने का। रवि भाई तो अपना जिम विम जाके पूरा एकदम जिम नहीं, भाग भाग के देखो उसको, भाग भाग के स्वस्थ तंदुरुस्त गबरू जवान। क्या जबरदस्त आर्किटेक्चर है, नहीं
जरा कहाँ पे बनाए हैं यार। ये देखो ये वाला जो है, ये वाला जो है ये पहले से मिट्टी के साथ दिख नहीं रहा है। आपसे अच्छा लग रहा है यार, बता दो। करेक्ट, हम लोग अभी ले पैलेस जा रहे हैं। बहुत गूगल हमको, गूगल माता हमने हमको बहुत घुमाया, फिर हम ट्रस्ट किए ओल्ड वे। ओल्ड वे मतलब क्या है, जाके पूछो लोकल से। फिर एक ड्राइवर भी आए हैं, हमको बोले कि मेरे पीछे पीछे आओ गाड़ी से। वो आप जो राजा थे उस समय, वो अपने प्रजा के साथ रहते थे। वो चाहते थे कि वो गली गुच्छे में रहे, इसलिए उन्होंने अपना इसीलिए राजमहल जो है को ले पैलेस का बोर्ड गलियों में बनाया। फाइनली वी गॉट ले पैलेस का बोर्ड। मेरे हिसाब से वो रोड इधर ही है यार, सही था वो रोड। माय गॉड, लोकल स्टाइल में हम लोग आए। हम लोग वी आर फेड अप, दो बार दो जगह पे हम लोग को घुमा के गूगल माता हमको इधर उधर लाया। फाइनली हम लोग लोकल वे में बैठ के, जाम हुआ है रोड अभी, पता नहीं कितना देर लगेगा इधर। A few moments later, हम लोग ले मार्केट आ गए हैं। तो छोटे छोटे मोमेंटोज हैं इधर, शॉप्स है, मार्केट का पूरा फ्लैग लगा हुआ है। गजब का नज़ारा, क्या भीड़ है, टूरिस्ट सब आए हुए हैं अभी लद्दाख। सब है, कैफे है, ब्रिंगिंग कश्मीर टू लद्दाख, कश्मीरी चीज़ है। ऑलमोस्ट की स्पेशल स्टोरी हैंडीक्राफ्ट, रेस्टोरेंट्स बहुत ही बढ़िया। सब सुबह नवर खरीदने के लिए मार्केट पूरा एकदम। मैं भी दो चीज तीन चीज लेके आया है। वो जो ले लद्दाख का स्टिकर फ्रिज में लगता है वही लेके आए। भाई लोग सर्च कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। कौन सी लिया भी ये सब लिया कुछ सब ढोकला बने इधर हैं। मिला, मिल गया जो चाह रहे थे। होटल में आ गए शॉपिंग वॉपिंग करके, अभी खाना खाने जाएंगे। होटल रूम भी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। हम लोग तीन लोग हैं तो एक एक्स्ट्रा बेड भी डाल दिया है, कबर्ड ओवर दिया हुआ है, लाइट और ज़बरदस्त टायर लगा है। तो जाते हैं खाना खा के सो जाते हैं, कल सुबह जाएंगे नुब्रा वैली। ठीक है, आज का मेनू खीर, कढ़ाई चिकन, शाही पनीर, फिर भिंडी मसाला, दाल तड़का, स्टीम राइस और नूडल्स। नूडल्स का भी हम लोग लेके खा लिए, खत्म हो गए। पापड़, सलाद, रोटी और टोमेटो सूप। सो ये है मेनू हमारा आज का। चलो गाइस, ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज हम लोग लोकल साइट सीइंग किए ले में, शाम को मार्केट वार्केट घूम के अभी डिनर करके फाइनली अब सो जाएंगे। कल सुबह हम लोग जा रहे हैं नुब्रा वैली,
और नुब्रा वैली में घूम के फिर उसके बाद वाले दिन हम लोग पैंगोंग लेक जाएंगे, वहाँ से फिर रिटर्न आएंगे ले। उसके बाद हमारा रिटर्न जर्नी शुरू होगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आप लोग सब खुश रहिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में। दिस इज सैबी साइनिंग ऑफ। पीस।